तो ये हमारा मोटो G31 जिसका रिसेंटली हमने एक अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। बाय द वे, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं इसी वाले स्मार्टफोन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। हालांकि इसमें आपको जो है स्टॉक एंड्रॉइड देखने मिलता है, स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि शायद आपको ना पता हो। स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मल सेटिंग से एंड बढ़ेंगे कुछ एक्सट्रीम तक। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर होल्ड करना है, यहाँ पर आपको एक स्टाइल्स का ऑप्शन देखने मिलता है जो कि काफी कमाल का कस्टमाइजेशन ऑप्शन है गाइज। इसमें जो है आपको कई अलग अलग तरह के जो आइकन पैक्स है वो देखने मिल जाते हैं गूगल की तरफ से, एंड आइकन पैक्स और आइकन का जो डिजाइन है, शेप है, वो यहाँ पर कम्प्लीटली कस्टमाइज हो जाता है। इसको आप जो है अप्लाई करोगे वैसे ही आपके स्क्रीन पर ही अप्लाई हो जाएगा, एंड देखने में थोड़ा सा लुक यहाँ पर कस्टमाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा यहीं पर आपको जो है एक होम सेटिंग्स भी देखने मिल जाती है, एंड जो होम सेटिंग्स है ना उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। नोटिफिकेशन हिस्ट्री इवन अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हो तो जितने भी नोटिफिकेशन आपको पर डे में आएंगे वो सारे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बबल्स का भी एक ऑप्शन है जो कि फ्लोटिंग विंडो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करते हो तो आप कई तरह के जो फ्लोटिंग विंडोज हैं उनको यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कुछ एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन टर्न ऑन या ऑफ करना तो वो भी आप यहाँ पर सिंगल टॉगल से कर सकते हो, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। अगर बात करूँ बेसिकली इस वाले ऑप्शन के सबसे अच्छे फीचर की तो यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन देखने मिलता है, जिससे कि आप बेसिकली जो है हाइड कर सकते हो साइलेंट नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, नोटिफिकेशन को स्नूज कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है एक्शन रिप्लाईज या एक्शन बटन्स का भी यूज कर सकते हो, नोटिफिकेशन डॉट के आइकन्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन साउंड है वो तो आप चेंज कर ही सकते हो, वहीं पर आपको जो है फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन पे भी चेंज करने मिल जाता है, यानी स्वाइप करना पड़ता है आपको फिंगरप्रिंट को। तो इस तरह के कुछ आपको होम स्क्रीन के ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप आइकन साइज को कस्टमाइज कर सकते हो, काफी सारे आइकन साइज आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक ऐप ट्रे का ऑप्शन देखने मिलता है विच इज बेसिकली द ऐप ड्रॉअर। अगर आपको ऐप ड्रॉअर पसंद है तो यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल भी कर सकते हो, जिससे आपके सारे एप्लीकेशन जो है होम स्क्रीन पर ही आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है स्वाइप एक्सेस, एंड ये काफी अच्छा फीचर है। जैसे आप इसमें गूगल फीड को इनेबल करोगे तो जैसे आप स्वाइप करोगे यहाँ पर आपको गूगल बार देखने मिल जाएगा, एंड काफी सारी नई नई खबरें जो है देखने मिल जाएंगी। यहीं पर जो है सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है ऐप लेबल देखने मिल जाएगा। ऐप लेबल बेसिकली होता है कि आपको अपने एक जो फ्रंट पेज है उसमें कितनी ऐप रोज रखनी है। मुझे यहाँ पर 2 रोज रखनी है जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी अगर आप रोज भी नहीं रखना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो, ये चीज काफी बढ़िया है। उसके अलावा अगर होम स्क्रीन पर होल्ड करते हो तो ये विजिट्स का भी ऑप्शन देख लेना। ये जो है काफी कमाल का विजिट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर काफी सारे विजिट्स है। एंड मोटो का पर्सनली मेरा फेवरेट ये वाला विजिट है जो कि मैंने लगा रखा है, जो कि एक क्लॉक का विजिट है जिसमें आपको डेट और वेदर दोनों ही देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको स्वाइप करते हो ना तो आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टाइम और जो डिग्री वगैरह है वो देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डेट देखने मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। अब चलते हैं फटाफट से सेटिंग्स के अंदर में। तो सेटिंग्स के अंदर में काफी सारे ऑप्शंस हैं, वैसे तो कई सारे आप लोगों को पता ही होंगे लेकिन कई सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग बेसिकली आपके जो यूसेज है स्मार्टफोन का उस पे मॉनिटर रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस एप्लीकेशन को आपने कितनी देर यूज करा है। मैंने यहाँ पर आज पूरे दिन में 2 घंटे फोन को चलाया हुआ है एंड 45 बार अनलॉक करा है, 224 मुझे नोटिफिकेशन आए थे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है, एंड इट इज बेसिकली फॉर योर यूसेज पैटर्न, एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो भाई, अपने रूटीन को सुधार सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे, जैसे कि बेड टाइम मोड है एक, जैसे कि अगर आप इनेबल कर देते हो तो जैसे ही आपका बेड टाइम हो जाएगा उसके बाद ही आपको अलाउ कर देगा या फिर अलार्म कर देगा। यहाँ पर आपको एक फोकस मोड देखने मिलता है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को स्नूज करना चाहते हो अपने फोकस टाइमिंग पर, यानी जिस टाइम आपका पढ़ने का टाइम होता है, कुछ काम करने का टाइम होता है, उस टाइम आप इस वाले मोड को यूज कर सकते हो। काफी कमाल का ये ऑप्शन है, एंड कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। थोड़ा पीछे आने पर आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसके अंदर जाकर आप काफी सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि एक डार्क मोड। अब डार्क मोड काफी लोगों को पता तो है बट काफी लोग इसको नहीं जानते अच्छे तरीके से। इस वाले स्मार्टफोन में भाई एमोलेड डिस्प्ले है, एंड एमोलेड डिस्प्ले पर आपको पता ही है कि डार्क मोड कितना अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, कोई भी एजिंग देखने नहीं मिल रही है, काफी अच्छा वाला ये मोड है, इसको आप यूज करते रहना एंड कर भी सकते हो।
आगे इसको टाइम के लिए भी आप सेट कर सकते हो कि किस टाइम ये ऑन हो, किस टाइम पे ये ऑफ हो जाए। कलर करेक्शन, कलर इन्वर्जन काफी बेकार फीचर्स है, इनको यूज मत करना। बाकी एक रिमूव एनिमेशन वाला ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दोगे तो आपके फोन के जितने भी एनिमेशन है ना वो बंद हो जाएंगे, एंड इससे आपको लगेगा कि आपका फोन थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में होता ही है कि आपके फोन में जितने भी एनिमेशन होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो आपका फोन है ना थोड़ा सा तेज काम करने लगता है। और नीचे आना तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन का ऑप्शन है, एंड इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा आप टच फीडबैक यानी कि हैप्टिक स्ट्रेंथ को भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आओगे तो नेविगेशन बटन्स का चेंज करने वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा। कुछ जेस्चर्स वाले ऑप्शन है, यार मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है जेस्चर्स। मुझे जो है 3 बटन नेविगेशन ही सबसे ज्यादा स्मूथ एंड सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। आगे अगर मैं बात करूँ बेसिक यहाँ पर लाइव कैप्शन की, तो ये चीज यार बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड ये पर्सनली आप यूज कर सकते हो जब आपके फोन में इंटरनेट चालू होगा। आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के कैप्शंस को चेंज कर सकते हो, सबटाइटल्स को देख सकते हो, एंड ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है एंड कुछ कम ही स्मार्टफोन्स में आती है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मोनो ऑडियो के बारे में, तो ये क्या करता है, आपके जितने भी चैनल्स चल रहे होते हैं आवाज के, वो सारे चैनल्स को कंबाइन कर देता है, एंड उसके बाद जो आपकी ऑडियो प्ले होती है ना कसम से काफी बढ़िया ज्यादा हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको एक कर्सर देखने मिल जाएगा जिससे कि आप लेफ्ट या राइट स्पीकर में चेंज कर सकते हो अपने ऑडियो बैलेंस को आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो कुछ इस तरह का टोटल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है। पीछे आने पर आपको एक बैटरी का भी ऑप्शन देखने मिलता है, एंड ये टिपिकली बताता है कि भाई आपकी बैटरी कितने टाइम तक चलने वाली है, आपका यूसेज पैटर्न किस तरह का था, आपने दिन भर कौन से एप्लीकेशन चलाए, कौन से एप्लीकेशन ने कितनी परसेंट बैटरी खाई, एंड ये चीज काफी बढ़िया है अगर आप ध्यान रखना चाहते हो कि भाई आपकी बैटरी एक्चुअल में अभी भी हेल्दी है या नहीं, वो चीज यहाँ पर आपको पता लग जाएगी। बाकी एक बैटरी सेवर भी आपको देखने मिल जाता है, इंक्लूडेड है गूगल के पैक के साथ में, एंड ये काफी नॉर्मल सा बैटरी सेवर है, आपकी बैटरी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देगा, डार्क मोड को ऑन कर देगा, बैकग्राउंड एक्टिविटीज को बंद कर देगा, विजुअल इफेक्ट्स को कम कर देगा, एनिमेशन बंद कर देगा, हे गूगल बंद कर देगा, तो ये सारी चीजें काफी बढ़िया है, तो बैटरी सेवर को भी यूज कर सकते हो अपनी बैटरी की इंक्रीज करने के लिए। बाकी ऑप्टिमाइज चार्जिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है मुझे पर्सनली, ये आपकी चार्जिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, एंड ये वाला जो ऑप्शन है ना ये नाइट टाइम पे ज्यादा अच्छा काम करता है, तो इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो आपकी बैटरी को ज्यादातर हेल्दी रखने के लिए। मतलब ये आपकी जो बैटरी की साइकिल है ना उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। ओवरचार्ज प्रोटेक्शन तो आप जानते ही होंगे, जैसे आपकी बैटरी 80% से ऊपर होती है तो वो ओवरचार्ज कहलाती है, एंड जिससे कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करता क्या है, आपकी बैटरी को 80 से 100% के बीच में थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में चार्ज करता है, जिससे कि आपकी बैटरी ओवरचार्ज का शिकार ना हो जाए। तो कुछ इस तरह का ये वाला ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, एंड इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं। वैसे तो ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इस वाले स्मार्टफोन में, बट स्टिल अभी भी काफी सारे ऑप्शंस बचे, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का एक पार्ट 2 बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।